सीधा रुख करेंगे दुर्ग की तरफ। तो दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में रहने वाली हैं? बड़ी बात है कि एक तरफ मौसम की गर्माहट, यानी कि मौसम में जो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, मानसून जिससे आना चाहिए था जल्द से जल्द वह नहीं आया। बताया जा रहा है कि दुर्ग जिले के जो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार 4 से 5 दिन और यहां पर मानसून लेट हो सकता है। ऐसी स्थिति में छुट्टियों के दिन बढ़ा दिया गया है, अब 10 दिनों बाद ही स्कूल खुलेगा। दूसरी बड़ी बात है कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में जो स्कूली बसों के परमिशन को लेकर बात आती है, उनके फिटनेस को लेकर बात आती है, तो यातायात विभाग, दुर्ग पुलिस यातायात विभाग और RTO के द्वारा संयुक्त रूप से भिलाई के पुलिस ग्राउंड में एक बड़ी स्कूल बसों की जांच चेकिंग की शिविर लगाई गई। उसमें पाया गया कि करीब दर्जन भर से भी ज्यादा जो स्कूल की बसें हैं वह अनफिट हैं, कई लोग और कई जो ऐसी बसें हैं जिनके कागजात पूरे नहीं हैं, तो उन्हें न केवल हिदायत दी गई बल्कि जुर्माना भी ठोका गया है। बड़ी बात है इस तरह के प्रयास, लेकिन खास स्कूल शुरू होने के पहले ही करना एक सवालिया निशान खड़ा करता है। आखिर हर महीने या हर 6 महीने के बीच इस तरह की जांच पड़ताल को क्यों नहीं किया जाता यातायात विभाग के द्वारा और दुर्ग यातायात पुलिस के द्वारा। दूसरी तरफ भारतमाला एक बड़ी परियोजना चल रही है केंद्र सरकार की, जिसे लेकर राजनांदगांव टेढ़ेसरा और दुर्ग होकर रायपुर के आरंग तक एक 6 लेन बनने को लेकर निर्माण कार्य का को लेकर डायग्राम बनाया जा रहा है, तैयारी की जा रही है, पर इस पे अब सवालिया निशान भी लग रहे हैं और साथ ही किसानों ने अब इस भारतमाला परियोजना का विरोध करना शुरू कर दिया है। अगर इस क्षेत्र के किसानों के बारे में बात करें तो उन्हें जो उनकी जमीन आने वाली है वह कितने इलाके में उस भारतमाला परियोजना के 6 लेन की सड़क आएगी और कितनी उनकी खेत उसमें प्रभावित, कितने की फसल प्रभावित होगी, इस बात की जानकारी उनका अभी तक नहीं मिली है। दूसरा जो थनौत करके गांव है जिसे मूर्तिकारों का गांव कहा जाता है, बताया जा रहा है कि जो भारतमाला के तहत जो ब्रिज बनना है उस ब्रिज की हाइट कितनी होगी, क्योंकि बड़ी बात है जो ये मूर्तिकार हैं इनके इस गढ़ से थनौत गांव से 20 से 35 फीट तक की ऊंचाई वाली मूर्तियां बनाई जाती हैं भगवान गणेश जी की, दुर्गा माता जी की, और यह उड़ीसा और नागपुर तक भी भेजी जाती है। तो ऐसे में अगर ब्रिज की हाइट कम होगी तो ऐसे में मूर्तियों को ले जाने में बड़ी समस्या का सामना मूर्तिकारों को करना पड़ेगा। तो इस तरह की समस्याएं भी भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाली सड़क को लेकर देखा जा रहा है। जी जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।